नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण गोत्रा और मेरे YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ऐसे 11 प्लगइन्स जिनको हर एक न्यू ब्लॉगर यूज करके अपनी वेबसाइट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लगइन्स होते क्या है, कि व्हाट इज प्लगइन्स। तो प्लगइन्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जिसको आप अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करते हो, जिसकी वजह से आप अपनी वेबसाइट पर अलग तरह की फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टेबल ऑफ कंटेंट, स्टार रेटिंग्स, आप अपनी वेबसाइट की एसईओ कर सकते हो अच्छे प्लगइन्स यूज करके। तो ओवरऑल जो प्लगइन्स है वो आपकी वेबसाइट को मक्खन की तरह चलने में मदद करते हैं। तो गाइस जो हमारा सबसे पहला प्लगइन है वो है गूगल साइट किट। इस प्लगइन को आप यूज करके अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट कर सकते हो और गूगल एडसेंस से कनेक्ट कर सकते हो। जब आपकी वेबसाइट गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट होगी तो आप देख सकते हो कि कहां से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है, कौन सी कंट्री से आ रही है, कितने बंदे लाइव आपकी वेबसाइट पर बैठे हुए हैं। और गूगल सर्च से आप देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट का कौन सा पेज इंडेक्स है या आपकी वेबसाइट कौन से कीवर्ड पर किस कंट्री में रैंक्ड है। और गूगल जो एडसेंस है वो उससे आप क्लियरली है कि आप अपनी अर्निंग्स वहां से मॉनिटर कर सकते हो। तो गाइस जो हमारा दूसरा प्लगइन है वो है एक्समैट एंटी स्पैम। इस प्लगइन को आप अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करके स्पैम कमेंट से बच सकते हैं। स्पैम कमेंट में क्या है कि जब आप एक नया ब्लॉग बना देते हो तो बहुत सारे हैकर्स या जो बहुत सारे स्पैमर्स ऑनलाइन बैठे हैं उनका टारगेट न्यू ब्लॉग है। हमें लगता है कि हमारा ब्लॉग तो न्यू है, हमें कौन टारगेट करेगा, लेकिन उनका टारगेट ही न्यू ब्लॉगर्स होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इन लोगों का ब्लॉग हैक करना आसान है। तो वो कमेंट करते हैं किसी लिंक के साथ, अगर आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया तो आपका सारा डाटा हैक हो सकता है। तो बेसिकली इस प्लगइन का काम है आपको स्पैमी कमेंट से बचाना। तो गाइस हमारा नंबर 3 प्लगइन है वर्ड फैन सिक्योरिटी। इस प्लगइन से आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी का जो लेवल है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, आपकी वेबसाइट हैकर से बच जाती है। और आप ये प्लगइन आपकी वेबसाइट को डीडॉस अटैक से या मॉलवेयर से या वायरस से बचाता है। तो बेसिकली इस प्लगइन का जो फंक्शन है आपकी वेबसाइट को ओवरऑल हैकिंग से प्रोटेक्ट करना है। तो गाइस जो हमारा फोर्थ प्लगइन है वो है अपड्राफ्ट बैकअप। इस प्लगइन को आप यूज करके अपनी वेबसाइट का बैकअप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल बीइंग अ न्यू ब्लॉगर चांसेस रहते हैं कि आप अपना डाटा लूज कर दो, तो इस प्लगइन को इंस्टॉल करना ना भूलें। अगर आपके पास बैकअप पड़ा होगा आपकी साइट का, तो आप अगर आपकी साइट डिलीट भी हो जाती है तो आप इस प्लगइन की वजह से अपनी साइट को वापस से रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मोटिवेशन लेके मैं अपनी जॉब के साथ आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। तो गाइस जो नंबर 5th पे प्लगइन है वो है इजी टेबल ऑफ कंटेंट। इस प्लगइन को अगर आप अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करते हो और ब्लॉग पोस्ट में ऐड करते हो तो इससे आपकी वेबसाइट का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो इंप्रूव होता है। यूजर की हेल्प होती है कि किसी सर्टेन इन्फॉर्मेशन को इजीली फाइंड आउट करने में, प्लस ओवरऑल ये आपकी वेबसाइट की गूगल पे रैंकिंग बढ़ाता है। तो गाइस नंबर 6 पे जो प्लगइन है वो है रैंक मैथ एसईओ प्लगइन। इस प्लगइन को आप यूज करके अपनी पोस्ट की एसईओ कर सकते हो, अपनी वेबसाइट की एसईओ कर सकते हो और तमाम जो पेजेस हैं आपकी वेबसाइट पर उसकी एसईओ कर सकते हो। ये प्लगइन इतना बेस्ट प्लगइन है कि आपको ये सजेस्ट करेगा कि आपको अपनी वेबसाइट पर इंटरनल लिंकिंग करनी है, एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है, आपको पोस्ट ऐड करनी है, मेटा डाटा ऐड करना है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इस प्लगइन में। तो मैं हाईली रेकमेंड करता हूं अगर आपको एसईओ करनी है तो आप रैंक मैथ ही यूज करें। तो गाइस जो नंबर 7th पे प्लगइन है वो है इंस्टेंट इंडेक्सिंग। ये प्लगइन भी रैंक मैथ का ही प्लगइन है और इस प्लगइन को आप यूज करके अपनी पोस्ट को तुरंत ही इंडेक्स करवा सकते हो स्ट्रेट अवे लिखने के बाद। प्लस मैं आपको यहां पे छोटी सी रिकमेंडेशन देना चाहता हूं, प्लीज आप अपनी वेबसाइट को बींग के सर्च कंसोल के साथ भी कनेक्ट कर लो, क्योंकि ये प्लगइन जो है आपकी वेबसाइट की पोस्ट वहां पर भी इंडेक्स स्ट्रेट अवे कर देता है। फॉर एग्जांपल कोई भी यूजर अगर आपकी कोई भी क्वेरी सर्च कर रहा है बींग पर तो चांसेस है कि आपकी वेबसाइट वहां पर भी दिखेगी। तो गाइस जो नंबर 8 प्लगइन है वो है केके स्टार रेटिंग। इस प्लगइन को आप यूज करके अपनी पोस्ट पर स्टार्स ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई यूजर आपकी पोस्ट पर आया, उसको स्टार दिखे, अगर उसको पोस्ट अच्छी लगी तो वो आपको स्टार रेटिंग दे सकता है। अगर आप 5 out of 5 ले रहे हो और आपके पास काफी सारे स्टार रेटिंग हो चुकी है तो गूगल के पास एक सिग्नल जाता है कि यहाँ इस पोस्ट में काफी वैल्यूएबल कंटेंट है, क्योंकि हर एक यूजर इसको अच्छे स्टार्स दे रहा है तो गूगल आपकी उस पोस्ट की पर्टिकुलर रैंकिंग इंप्रूव कर देता है। तो गाइस जो नंबर 9 पे प्लगइन है वो है वेबपी कन्वर्टर फॉर मीडिया। इस प्लगइन से होगा क्या कि आपकी वेबसाइट पर जितनी भी इमेजेस होंगी उन इमेजेस का एमबीज में से जो साइज है रिड्यूस होकर केबीज में आ जाएगा बिना किसी रेजोल्यूशन इफेक्ट हुए। इससे होगा क्या कि आपकी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपको पता है कि गूगल के 200 एसईओ पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड तेज है तो उसकी रैंकिंग गूगल इंप्रूव करता है, क्योंकि गूगल को फास्ट वेबसाइट अच्छी लगती है।
तो गाइस जो नंबर 10 पे प्लगइन है वो है एड इंसर्टर प्लगइन। इस प्लगइन से होगा क्या कि आप अपनी वेबसाइट पर एड्स लगा सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट ऑलरेडी गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड है और आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट एड्स दिखे, तो आप अपनी एड कोड को इस प्लगइन में डाल दें। ये प्लगइन आपकी हर एक पोस्ट पर एक पर्टिकुलर जगह पर ही एड दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि आपकी एड ऑन टॉप दिखे, हेडर के ऊपर दिखे, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद दिखे या इमेज के बाद दिखे, हर एक पोस्ट में, तो ये प्लगइन आपको वहां पे काफी हेल्प करने वाला है। तो गाइस नंबर 11 और जो हमारा लास्ट प्लगइन है वो है ऐड टू एनी प्लगइन। इस प्लगइन को आप यूज करके अपनी पोस्ट के नीचे ऑप्शंस दे सकते हो कि लोग इस पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर सके। अगर लोगों के पास ऑप्शन होगा आपकी पोस्ट को शेयर करने का और उनको अच्छी लगी और उन्होंने शेयर करी, तो आपकी वेबसाइट पर तो चांसेस हैं कि ट्रैफिक इंक्रीज होगी। तो डेफिनेटली आप इस प्लगइन को यूज करें ताकि लोग आपकी पोस्ट को शेयर करें और वहां से भी आपको ट्रैफिक आए। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से कमेंट कर दे, लाइक कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको फिर भी ब्लॉगिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन दूंगा जरूर। थैंक यू।